तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको इंडिया के सबसे बड़े मॉल्स में से DLF मॉल ऑफ इंडिया जो कि नोएडा में है वो दिखाने लेकर जा रहा हूँ। यहाँ का पूरा फुल टूर देने वाला हूँ आपको, यहाँ की टाइमिंग्स, लोकेशन, यहाँ तक कैसे आप आ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा और इसकी लोकेशन है प्लॉट नंबर M3 सेक्टर 18 नोएडा में। यहाँ आने की बात की जाए तो आपको सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सेक्टर 18 का। तो DLF मॉल ऑफ इंडिया की जो पार्किंग है वो आपको बेसमेंट मिल जाएगी और पेड पार्किंग है फोर व्हीलर की, जो कि मंडे टू थर्सडे होगी ₹60 और बाकी सारे दिनों और हॉलीडेज़ की होगी ₹70। तो इस मॉल की टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 10:30 शुरू होकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है और हफ्ते के 7 दिन भी खुला रहता है। फन सिटी, डेकैथलन, पेंटालूंस, कई चीज़ें आप अंदर जाके खरीद सकते हैं। तो सारा मॉल आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये DLF मॉल ऑफ इंडिया का ईस्ट गेट है, चलिए इस मॉल के अंदर चलते हैं। हम वेस्ट गेट की तरफ से एंटर हो रहे हैं इस मॉल में। तो हम DLF मॉल ऑफ इंडिया के अंदर आ गए हैं और सबसे पहले आपको ऊपर से दिखाते हैं। कहते हैं ना कि ऊपर सबसे बढ़िया होता, तो ऊपर से दिखाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, सबसे ऊपर 4th और 5th floor पर हम जाएँगे। तो ये जो मॉल है ना, इसके लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आपको मार्केट प्लेस दिखेगा। अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, मार्केट प्लेस लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है, हाइपर मार्केट, होम एंड लाइफस्टाइल, वैल्यू, फैशन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैलून, कैफे सब दिख जाएगा। और उसके बाद इंटरनेशनल मलिवर्ड है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर, इंटरनेशनल फैशन, फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, ब्यूटी कैफेज है। सेकेंड फ्लोर पर है द हाई स्ट्रीट, एथनिक फैशन, इंडो वेस्टर्न फैशन, फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, सैलून एंड स्पा कैफेज। फिर फैमिली वर्ल्ड है 3rd floor पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स, किड्स, बेबी एंड मैटरनिटी, एक्सेसरी, सैलून एंड स्पा। और 4th and 5th floor पे लेजर लैंड है, जहाँ पे सिनेमा है, फूड कोर्ट है और इंडोर एंटरटेनमेंट है, यानी गेम जोन वगैरह। ये 4th floor पे अभी खड़े हुए हैं, सारा मैप देख सकते हैं। फैमिलीज, मैडम तुसौड़ सब गायब कर दिया गया, स्मैश, फन सिटी, PVR सिनेमा और ये बहुत बड़ा फूड कोर्ट है यहाँ पर 4th floor पे है। थीम बहुत अच्छी लगी मेरे को ये फूड कोर्ट की। उधर KFC भी है सबसे पहले, यहाँ पे है डोमिनोज, डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ है द पेंटो कैफ़े, ये सारी बैठने के लिए यहाँ पे। उधर बर्गर किंग भी है, टाको बेल भी है, MOD भी है, मैड ओवर डोनट्स, कैवेंटर्स भी हैं। ये KFC आ गया, KFC भी आपको दिख जाएगा यहाँ। रोल्स किंग, पान चाचा, आपको दिख जाएगा PVR सुपरप्लेक्स। और ये इनका टिकट काउंटर, इधर से आप टिकट्स वगैरह ले सकते हैं, जो भी आपने मूवी वगैरह देखनी है आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है यहाँ पे और IMAX विद लेज़र भी है। तो आपको फन सिटी दिखाते हैं, फन सिटी की सारी गेम्स और राइड्स दिखाते हैं। और ये बहुत ही यूनिक फन सिटी है, जहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी राइड्स का मजा ले सकते हैं। जैसे ये सबसे बड़ी राइड है, यहाँ पे 360 राइड देखें, पूरा ही पलट जाती है वाली राइड, वो देखिए पूरा ही पलटने वाली है राइड, वो देखिए पूरा ही गोल घूमगी राइड, कमाल है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन, कुछ देर चलती है ये राइड ऐसे, क्या बात है, ज़बरदस्त राइड है, गोल गोल घूमती भी है बीच में से। तो ये जो राइड है इसकी ₹150 पर चाइल्ड की टिकट है, मिनी डांस, 8 seats। तो कोई भी गेम खेलने से पहले आपको कार्ड लेना पड़ेगा यहाँ का, और ये चार्ज वगैरह लिखे हुए कार्ड के, ₹1500 देंगे तो आपको ₹2000 गेम खेलने के लिए क्रेडिट मिलेंगे, ₹2500 देंगे तो ₹3500 मिलेंगे गेम क्रेडिट करने के, ₹5000 देंगे, ₹7500 गेम खेलने के मिलेंगे। तो जो भी गेम है खेलने से पहले कार्ड लेना ही पड़ेगा। इधर ये वो हैमर वाली भी गेम है, इस पर मार के देखिए कितना ज़्यादा आप में पावर है। छोटी मोटी कई गेम्स हैं जो यहाँ पे खेल सकते हैं, बच्चों के लिए कई गेम्स हैं। और इसके अलावा इधर बीच में भी एक राइड है, देखिए काफ़ी अच्छी राइड है यहाँ पर, देखिए चीखें निकल रही हैं, ये गए नीचे। इसके क्या चार्जेस हैं मैं बता देता हूँ। और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप बम्पिंग कार भी खेल सकते हैं, ये गोल चक्कर का एरिया है, ये बम्पर कार्स कहलाए हैं।
ये जो बम्पर कार राइड है ये 110 रुपये की है। ये स्काई रेस झूला है, इसकी 125 रुपये की टिकट है और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। अच्छी राइड्स हैं काफ़ी यहाँ फन सिटी में, और यहाँ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैरी गो राउंड राइड गोल गोल घूमते हैं इसमें, और ये बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्ले एरिया बनाया हुआ है, प्ले जोन। 350 रुपये पर चाइल्ड की टिकट है इसमें, अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं बच्चे इसमें। इस तरफ आर्केड गेम्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, बॉल्स वगैरह और ये गेम खेल सकते हैं इसमें, पकड़ना होगा। देखिए इधर ये वाली गेम भी है, डिमोलिशन गेंद तोड़ना होगा। बहुत ज़्यादा गेम्स हैं यहाँ पर सन सिटी खेलने के, यहाँ से आपको कार्ड लेना पड़ेगा, और ये सारे चार्ज मैंने आपको बता दिए थे यहाँ के। कुछ कुछ ना गेम में से टिकट भी निकलती है, तो उनमें से ना आप प्राइज भी जीत सकते हैं। ये रॉकी गेम छोटी भी है बड़ी भी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये बास्केटबॉल की गेम है, बॉलिंग की गेम है। वो देखिए ये वाली गेम भी देखिए, स्नो बाइक और कार रेसिंग वाली भी खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वीआर वाली गेम भी है, जिसमें आपको वो डालना होगा वीआर से और एक अलग ही दुनिया दिखती है। ये सारी बाइक रेसिंग गेम्स हैं, बाइक रेसिंग गेम के साथ इस तरफ यहाँ पे ये वाली गेम भी है। मुक्के मार के चेक करना पड़ेगा कितनी पावर है आपने। अच्छी गेम्स है, बहुत अच्छी गेम्स है। इस तरफ यहाँ पे हैमलीज हैं, और हैमलीज में ना कई टॉयज़ वगैरह हैं जो खरीद सकते हैं छोटे बच्चे। बहुत ही बड़ा यहाँ पे टॉय स्टोर है, और इस टॉय स्टोर में ना एक वो भूल भुलैया भी है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं 200 रुपये में। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ मिरर मेज एट 200 रुपीज़। वो देखिए कैसे कलर का फैमिलीज और फन सिटी के साथ आपको स्मैश गेम जोन भी दिख जाएगा, और इधर आप कई गेम्स खेल सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक पब भी है, अभी कुछ भी खेलने से पहले आपको कार्ड लेना पड़ेगा। यहाँ बॉलिंग भी है और एयर हॉकी भी है, और यहाँ ना एक नाइट वाली नियॉन थीम से दी हुई है। तो इस वक्त हम रिसेप्शन के पास खड़े हुए हैं, और इधर ये सारे टिकट के रेट्स लिखे हुए हैं, मतलब रिचार्ज करने के कार्ड के रेट्स लिखे हुए हैं। रिचार्ज अमाउंट आप अगर 1100 का सबसे कम का कार्ड ले सकते हैं, जिसमें गेम खेलने के आपको 1000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से 10000 का कार्ड लेंगे तो 15000 रुपये आपको गेम खेलने के मिलेंगे। इसमें आप फूड एंड बेवरेजेस भी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, और अंदर आप ये गेम्स खेल सकते हैं। और ये प्राइजेस में आप स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं कौन कौन सी गेम्स है, कितने में खेल सकते हैं। फिर कुछ गेम में से ना टिकट भी निकलती है, उनमें से आप कई तरह के प्राइज भी जीत सकते हैं। जैसे 200 टिकट में आपको ये मिलेगा, था 500 टिकट में आपको ये मिलेगा। ये एयर हॉकी खेल रहे हैं यहाँ पर, वो अलग टाइप की एयर हॉकी, एक कर्व वाली भी है, और गन शूटिंग गेम्स भी हैं, टग ऑफ वार दम मारो दम भी है, खींच के ना ये पावर चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये वाली गेम भी है, टॉप का नाम से पूरा ही पलट जाती है। बाकी देखिए टिकट छुटी है कैसे, हॉट सीट नाम से गेम है, देखिए पूरा ही पलट रहा है। मतलब एक बहुत ही यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे स्मैश गेम जोन में, देखिए बहुत सारे। फिर इधर यहाँ पे दो टाइप के रोलर कोस्टर भी हैं, एक फिंगर कोस्टर नाम से रोलर कोस्टर है, इसमें ना आपको ये वीआर सब बना देंगे तो फिर गेम खेल सकते हैं। एक जुरैसिक एस्केप नाम से भी यहाँ पे रोलर कोस्टर सा है। देखिए इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं अपनी। बाकी इस तरफ नोएडा पब एक्सचेंज है, और इस तरफ आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। देखिए अभी बॉल आएगी, शॉट मारा। इधर ये बॉलिंग खेलने के लिए भी एरिया है बहुत बड़ा, और सारा अभी फुल हुआ पड़ा है। अभी 4-5 यहाँ पे बॉलिंग की लेन है, साथ में आपको कुछ खाना पीना तो वो भी खा सकते हैं। स्मैश का एक बहुत ही बड़ा गेम जोन है यहाँ पे। इधर भी कई आर्केड गेम हैं, और ये बड़ी वाली टेडी बेयर वाली गेम भी खेल सकते हैं आप, उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है अब तक। और ये हैमर मारेंगे देखना भी भाई साहब कहाँ तक जाएगा, 11 तक ही है। देखिए ये रहा स्मैश गेम जोन, और इस तरफ यहाँ पे है स्नो वर्ल्ड। एंट्री होगी 1000 रुपीज़ की, ऑल इंक्लूसिव। इसमें
सीनिक माउंटेन है, रेस्टिंग हाउस है, एग्लू है। एक्टिविटीज़ आप कई कर सकते हैं, आइस स्लेजिंग तो बगान नाम से, बॉब स्लाइड भी कर सकते हैं, आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। तो एंट्री पे ही दिख जाएगा ये काउंटर सा, यहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो बाकी जैकेट्स वगैरह हैं इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं, आप ये सब टिकट प्राइस में इंक्लूड रहे। काफ़ी बड़े साइज़ के जूते हैं और ये ग्लव्स देखें अच्छी क्वालिटी के हैं, बाकी स्नो पार्क्स में उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। ये भी है देखिए, इसको भाई साहब बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मेरे पैर देखो पूरे अंदर धंस गए, उठा के चलना पड़ रहा है, बहुत बर्फ़ है यहाँ पे। तो इधर आप स्नो स्लेजिंग और ये देखिए कई तरह की आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं, राइड्स कर सकते हैं आप। जाने वाले नीचे जाने वाले हैं, वो गए नीचे, देखिए इतनी तेज स्पीड में गए नीचे, आवाजें आ रही हैं। क्या बात है, साइड पे एरिया, यहाँ अपने जूते वगैरह बदल के आइस स्केटिंग करके फिर यहाँ पे आइस स्केटिंग कर सकते हैं आप, अच्छी स्केटिंग कर रहे हैं देखिए यहाँ पे। बट जो बिगिनर होता है वो तो बहुत आराम आराम से करता है स्केटिंग, पकड़ पकड़ के किसी तरह, बस इस टाइप की स्केटिंग आराम आराम से। धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना होगा, मतलब जो बिगिनर होता है वो इस तरीके से ही करते हैं। ये हम थर्ड फ्लोर पे हैं और इस थर्ड फ्लोर पे आपको किड्स वेयर और मैटरनिटी एक्सेसरीज वगैरह यानी मदर केयर टाइप के सारी चीज़ें वगैरह दिख जाएंगी, प्रोडक्ट्स वगैरह दिख जाएंगे। इधर एक खाने पीने के लिए भी एरिया, सोशल सिनेमा, सोशल सोशल हैशटैग सोशल सोशल, वैसे अलग अलग जगह पे आपको दिल्ली NCR में दिख जाएगा। आप तो ये पूरा मॉल चलते चलते थक के जाएंगे, तो यहाँ पे मदर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, छोटे बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, फैमिलीज का सेक्शन है कपड़ों वगैरह के लिए छोटे बच्चों के, सारे छोटे बच्चों के लिए ये फ्लोर पे कपड़े वगैरह हैं। टॉमी फिगर किड्स, पिज़्ज़ा हट आपको थर्ड फ्लोर पर दिख जाएगा, उसके साथ में कई चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, नेचुरल्स, आइसक्रीम भी हैं। सरदार ढाबा, गोला सिजलर्स भी हैं यहाँ पे, और A2UN नाम से भी, स्कूबीज, होम बुक शॉप, अर्बन लैडर, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी थर्ड फ्लोर पर। ये जो अर्बन लैडर हैं यहाँ पे आप फर्नीचर रिलेटेड कई प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं। इधर ये डिकैथलन है, अब यहाँ पे आगे है डिकैथलन, और इधर सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद सकते हैं, 60+ स्पोर्ट्स, 6000 प्लस प्रोडक्ट्स। स्केटबोर्ड 3000 रुपये का, ये स्केट्स ले सकते हैं बच्चों के 1800 रुपये, 600 रुपये का ही है, और 200 रुपये की स्विम कैप, और ये 400 रुपये की है, 300 रुपये की है क्वेचुआ के बैग्स। बहुत बड़ा है ये यहाँ पे, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं दिखा सकता ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किड्स बाइसाइकिल स्टार्टिंग एट 549 और एडल्ट बाइसाइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम 8000 रुपीज़। मी एंड मॉम्स, कई शॉप्स अभी खुलने बाकी भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे द बिग चिल कैफ़े भी है, मामा गोटो भी है, होलैंड एंड बैरट, औद अरेबिया दुबई, पिज़्ज़ा एक्सप्रेस, मेड इन पंजाब, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाने पीने के लिए भी हैं। इस
तरफ अब आगे यहाँ पे है डंकिन डोनट्स। तो यहाँ पे डोनट्स वगैरह खाने के साथ साथ कॉफ़ी भी पी सकते हैं आप। डोनट्स एट रुपीज़ 2 ओनली ऑन जून 2। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पे हनी एंड डो कैफे पैटिसरी। पीपल कन्फ्यूज मी फूड डेजर्ट, मतलब एक सेल्फी पॉइंट फोटोशूट करने के लिए कहीं है यहाँ पे। आप एस्केलेटर से भी ऊपर नीचे हो सकते हैं और इसके अलावा लिफ्ट भी है यहाँ पे, पार्किंग तक नीचे तक जाएगी। और कहीं भी आपने जाना है, मतलब कोई से भी लेवल पे जाना है, आपको लिफ्ट या एस्केलेटर छोड़ देगी। इस तरफ यहाँ मेड इन पंजाब भी है, पायरेट्स ऑफ ग्रिल भी है, H&M। ये सेकंड फ्लोर पे हम आ गए। यू आर एट द हाई स्ट्रीट सेकंड फ्लोर। इधर मेंस वेयर वुमेंस वेयर वगैरह कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं यहाँ पे कहीं। रेमंड है यहाँ पे, जीवन है, टाइटन आई प्लस, मतलब इस फ्लोर पे भी आप कई तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी है, फैब इंडिया भी है यहाँ पर, उस तरह फैब इंडिया। देखिए कई कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, गो कलर्स। जूरी आगे है जयपुर, उस तरफ वहाँ मैन इजन भी है, एलन सॉली वुमेन, ग्लोबल देसी और नवरंग ज्वेलर्स। आगे है वीनस स्टेप्स, यहाँ आप मेंस वेयर वुमेंस वेयर किड्स वेयर अलग अलग टाइप के खासकर शूज़ और बैग्स वगैरह खरीद सकते हैं। पर बाटा का भी शोरूम है और मस्टर्ड भी है, रेगुलर प्लस साइज। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ। वहाँ सामने लाइफस्टाइल भी है, वैनसन भी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पर इंटरनेशनल ब्रांड है। ये लाइफस्टाइल का शोरूम है, एक सेकंड फ्लोर पे है और एक फर्स्ट फ्लोर पे है। मेंस वियर का सेकंड फ्लोर पे है और वुमेंस वियर का फर्स्ट फ्लोर पे है। आप फास्ट ट्रैक के भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, शूज़ हैं, बैग्स हैं। ये देखिए प्राइस लिखे हुए हैं लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट्स के, बॉय शॉर्ट्स फ्रॉम 399, गर्ल ड्रेसेस फ्रॉम 399, किड्स फुटवेयर फ्रॉम 499। ये मीना बाजार, मोहन लाल सन सिंस 1881। मान्यवर भी है, और चाय पॉइंट है, शावा, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पे। हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे जो कि है इंटरनेशनल बॉलीवुड। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स काफ़ी दिख जाएंगे, कोलंबिया, फ्लाइंग मशीन, लेविस, और लाइफस्टाइल का मतलब दूसरे वियर्स वगैरह भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको इंटरनेशनल हैं, ब्रांड्स हैं जो आपको दिखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। ब्लैकबेरीज भी हैं यहाँ पे, कपड़े वगैरह खासकर यहाँ काफ़ी शायद खरीद सकते हैं। ये
जॉब की, वॉचेस वगैरह भी हैं, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेंटन, टाइमेक्स, गैस वर्सेस, मैनीजन के कई जगह पे हैं, मैनीजन एक्टिव इस तरफ। पोस्टा कॉफी वन चल बहुत ही बड़ा मॉल है सच्ची में, मैं तो थक के गया चलते चलते। सारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया सिनेवन बरमोड़ा ओनली जी स्टार रो उस तरफ, जैक एंड जोन्स हैं, रेमंड है, कलर प्लस वुड्स, केजियो, लुइस फिलिप, विलियम पेन, एलसी पेरिस, एलन सोली, पेंटालूम्स और क्रोमा भी हैं इस तरफ। और नीचे यहाँ यूनिक्लो का भी शोरूम है, फ्रॉम टोक्यो टू नोएडा यूनिक्लो, H&M का भी इस तरफ, H&M यहाँ भी है, ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इससे फोर्थ चारों फ्लोर पे आपको H&M दिख जाएगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इस तरह यहाँ पे नाइक का शोरूम है, जूते वगैरह और स्पोर्ट्स वेयर का खासकर नाइक के खरीद सकते हैं, एडिडास है, रीबॉक है, स्केचर्स, A6, वो पूरा आगे तक जाते हैं। अब हम नीचे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो ये जो नीचे का एरिया ये भी इंटरनेशनल बॉलीवुड के अंडर है और इसके नीचे सारी एरिया पार्किंग की है। थोड़े से ब्रांड मैंने आपको ऊपर से भी दिखा दिया था, फॉरएवर 21, अमेरिकन ईगल, स्टीव मैडम, फॉसिल, इधर यहाँ पे इस तरफ एप्पल, प्रीमियम रीसेलर, यूनिकॉर्न नाम्स, स्टीव मैडन, मतलब ये ऑफिशियल वाला नहीं है, बहुत बड़ा मॉल है। नीचे यहाँ स्टारबक्स कॉफ़ी है, उनका मॉल, सुपर ड्राई स्टोर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स हैं। तो ये हमने DLF मॉल ऑफ इंडिया के ईस्ट गेट से एग्ज़िट किया, अच्छा लगा मेरे को मॉल। आप बताओ कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका धन्यवाद।